हेलो फ्रेंड्स, आपने काफी ज्यादा फोटोग्राफर्स को देखा है कि वो फ्लैश को ना ऊपर को करते हैं ऐसे, मतलब बाउंस करते हैं। इसको कहते हैं फ्लैश बाउंसिंग टेक्निक। लेकिन हर बंदा ये समझता है कि यार फ्लैश ऐसे सामने को करनी चाहिए, मतलब फ्रंट पे फायर करे फ्लैश। लेकिन जो फ्लैश बाउंसिंग है ये क्यों की जाती है, क्या मसला है फ्लैश बाउंसिंग में? तो ये मैं टिप दे रहा हूँ आपको, टिप नहीं दे रहा हूँ, बेसिकली ये टेक्निक है। तो हर फोटोग्राफर को मतलब ये पता होना चाहिए, जो बिगनर फोटोग्राफी कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि फ्लैश बाउंसिंग क्यों की जाती है। अब देखें, हम फोटो बना रहे हैं, हमारे मॉडल हैं तैमूर, अगर मैंने लेंस के फोटो बनानी है इस तरह से तो मैं फ्लैश को ऊपर करूंगा। किसी भी सूरत में फ्लैश छत को फायर करनी चाहिए, छत को फायर करेगी तो फिर नीचे आएगी। अब ये देखें, ये पिक्चर में बना रहा हूँ, ये अब मैंने फायर किया फ्लैश ऊपर। अब ये ऊपर फ्लैश फायर करके ये प्रिंट आया। अब मैं इसको आप डायरेक्ट फायर करके, अब मैं डायरेक्ट बिल्कुल फ्लैश मार के भी दिखाता हूँ डायरेक्ट और फ्लैश बाउंसिंग में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, हम फ्लैश जब ऊपर की छत की तरफ बाउंस करते हैं ना, तो ये जो छत होती है वो एक प्रॉपर बहुत बड़ा सॉफ्ट बॉक्स बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर प्रॉपर एक फुल फ्लेक्सिबल बड़ी अच्छी सॉफ्ट लाइट फायर होती है। तो अगर फ्लैश को ऊपर फायर करते हैं आप जब भी, तो अगर तो आपकी छत थोड़ी करीब हो ना, तो फिर उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी फ्लैश इजीली फायर हो जाती है और इजीली उस सब्जेक्ट तक पहुंच जाती है। अगर सब्जेक्ट दूर है, मतलब सब्जेक्ट आपका आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो आप फ्लैश के ऊपर ये कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स होते हैं, ये निकाले जाते हैं। इससे ये होता है कि फ्लैश तो ऊपर फायर कर रही है, लेकिन ये थोड़ी सी लाइट जो है ना वो इस डायरेक्शन पे वो सब्जेक्ट की तरफ फायर होती है, मतलब आगे की तरफ जाती है लाइट। तो ये एक थोड़ा सा ये टेक्निक है, सब फोटोग्राफर जो है वेडिंग फोटोग्राफर वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन ये वीडियो बिगनर्स के लिए। अब अगर देखा जाए तो जिस पिक्चर में मैंने सिर्फ ऊपर ही फ्लैश बाउंस की थी वो पिक्चर, और जो फोटो में मैंने थोड़ा सा कार्ड बाहर निकाला, इस पिक्चर में और उस पिक्चर में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। इस पिक्चर में ये होता है, जब आप थोड़ा सा कार्ड ये बाहर आया होता है ना, तो जब आपकी चिन के नीचे या आईज़ के नीचे ना थोड़े थोड़े से शेडोज़ वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब थोड़ी सी लाइट आगे भी चल जाती है, बाकी बाउंस हो जाती है। तो ये टेक्निक बड़ी परफेक्ट है, लेकिन फ्लैश सिर्फ छत की तरफ ही बाउंस नहीं होती है। कुछ फोटोग्राफर जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे वॉल बाउंसिंग की जाती है। अब देखें, छत भी मेरे बिल्कुल करीब है और वॉल भी बिल्कुल करीब है। अब मुझे लाइट कहाँ से चाहिए? अगर तो मुझे लाइट चाहिए ना वॉल से, तो मैं इस फ्लैश को वॉल की तरफ करूँगा इस तरह से, मतलब ये अब फ्लैश वॉल की तरफ बाउंस होगी। और आप पिक्चर बनाते हैं, ये वॉल की तरफ बाउंस करके हमने ये पिक्चर बनाई है। इसी तरह से बड़े ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि फ्लैश को, तब से मैं पिक्चर बना रहा हूँ इस मोड में, अब जब फ्लैश को मैंने मतलब पोर्ट्रेट मोड में जाना है, तो इस फ्लैश को 360 डिग्री पे फ्लैश टर्न होती है, तो इस फ्लैश को मैं ऊपर करूँगा। अब मैं इस तरह पिक्चर बना रहा हूँ ना, तो ये फ्लैश ऊपर को फायर करेगी दोबारा से। अब ये देखें, अब ये परफेक्ट सॉफ्ट लाइट बिल्कुल मिली है, प्रॉपर सॉफ्ट लाइट मिली है, आगे पीछे बैकग्राउंड में भी हर जगह पे भी। जब आप बाउंस करते हैं फ्लैश को तो एक प्रॉपर बड़ा सॉफ्ट सी एजेस मिलते हैं आपको। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको टिप पसंद आई है तो कमेंट करें अबाउट माई वीडियो, कि आपको अगर कोई इसमें से कुछ और पूछना है या कुछ और फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।